आज पुनः जो है फिर प्रश्नावली जो है 4.5 जो द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना था उसका जो कुछ शेष जो बचा एग्जाम्पल है आज फिर पुनः बता दे रहे हैं। जैसे उदाहरण 22 है, उदाहरण 22 का जो है तीसरा एक प्रश्न है, इसको करना क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व है या नहीं है इसके लिए पहले करना क्या होगा कि ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात इसकी जो तुलना है, अरे 2x² - 2π/2x + 1 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। पहले इसकी तुलना कर लेंगे, तो यहाँ ax² है और यहाँ 2x² है, तो यानी a की जगह पर 2 हो गया है, a = 2, और यहाँ bx है और यहाँ -2π/2x है, यानी b की जगह पर -2π/2 हो गया, और c तो यहाँ c = 1 हो गया। अब करते क्या है कि a b c का जो ये मान है इस मान को जो है हम सबसे पहले अंडर रूट b² - 4ac में रखेंगे, यानी तभी आपको स्पष्ट होगा कि यानी ये अस्तित्व में है कि नहीं है। तो इसमें जब रखते हैं तो यहाँ b² है तो b का मान जो है -2² / 2 होगा, -4a की जगह पर 2, और c का मान 1 है तो 1 रख देंगे, यानी इसको जब हल करेंगे तो 2² / 2 करेंगे तो 2 × 4 और 4 × 8 ऐसे करिएगा 2² / 2 होगा, तो इसको लिखेंगे हम -2² / 2 और गुणे -2² / 2, तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे ये धन हो जाएगा, 2 × 4 और * 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यानी -2² / 2 करेंगे तो यही 8 हो जाएगा, और 4 × 8 = 1, यानी इसका मान जो है जब हल करेंगे तो 8 में से 8 घटा देंगे तो 0, तो 0 का वर्गमूल 0, यानी इसका मतलब जब 20² - 4ac का मान जब 0 आ गया तो यह जो द्विघात समीकरण है वह अस्तित्व में है, अर्थात इसको जो है सिद्धराचार्य सूत्र पर जो है इसको हम हल करके इसका हम मूल ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र आपका है x = -b + √b² - 4ac / 2a, या ये कर सकते हैं पूरे का कर सकते हैं, यहां से कर लीजिए -b + √b² - 4ac / 2a, यानी पूरे का बटे ये होता है, पूरे का बटे कर लेंगे। अब यहां मान रखेंगे इसे -b तो सूत्र में माइनस है और यहां b का भी माइनस में है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी यहां जो है 2² / 2 रखेंगे, +√b² का मतलब 2² / 2 और -4a की जगह पर 2 और 1, यहां जो है 2 × 2, यानी ये हो जाएगा 2² / 2 + −, और इसका करेंगे तो फिर वही मान हो जाएगा 8 - 8 अब बटे 4, यानी इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर ही हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2² / 2 + −, यानी 0/4 हो जाएगा। यहां जो है इसका 2 मान होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो धनात्मक मान होगा
मूल, तो x बराबर दो कर्णी में दो और प्लस जीरो अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा दो कर्णी में दो अपॉन फोर, दो दूनी चार यानी कर्णी में दो बटे दो, फिर कर्णी में दो से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा दो बटे दो कर्णी में दो कट जाएगा, एक बटे कर्णी में ये दो हो जाएगा, यानी इसका धनात्मक मूल हो गया। अब फिर जब इसका ऋणात्मक मूल निकालेंगे, ऋणात्मक मूल, तो ये हो जाएगा यक्ष बराबर दो कर्णी में दो माइनस जीरो अपान फोर, ये दो कर्णी में दो बटे फोर, दो दूनी चार अरे कर्णी में दो बटे दो, कर्णी में दो से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो दो बटे दो कर्णी में दो, दो से दो कट जाएगा अरे एक बटे कर्णी में दो, तो इसके जो दोनों मूल हैं वह एक बटे कर्णी में दो और एक बटे कर्णी में दो, यही मूल इसको होंगे यानी मूल, यानी यक्ष बराबर एक बटे कर्णी में दो और दूसरा भी यक्ष बराबर एक बटे कर्णी में दो, यही इसका आंसर हो गया, यानी इसके दो मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी क्रम में जो है हम आपको एग्जाम्पल 23 हम बता रहे हैं, पुनः 23। अब 23 में क्या है इसको भी आपको सूत्र द्वारा ही हल करना है, तो इस 23 को जो है हम आपको बता रहे हैं उदाहरण 23। इसमें भी पहला है यक्ष प्लस एक बटे यक्ष बराबर तीन, और इसमें दिया है यक्ष इक्वल टू नॉट जीरो, तो इसको हल करना है। तो जब हल करेंगे तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए यक्ष, और यक्ष का यक्ष में गुणा करेंगे यक्ष स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री, और फिर जो है यक्ष स्क्वायर प्लस वन क्रॉस गुणा कर देंगे तो थ्री यक्ष, यानी फिर जो है यक्ष स्क्वायर माइनस थ्री यक्ष प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या करेंगे इसकी जो तुलना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर एक हो जाएगा, बी बराबर माइनस तीन और सी बराबर एक हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये मान निकल गया तो अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र सिद्धराचार सूत्र एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। ये हमेशा याद रहे कि जो बटे की लाइन है बराबर के सीध में होनी चाहिए, तो इस पर जब रखेंगे तो ये बी का मान माइनस तीन है और ये माइनस पहले से सूत्र में लिया है तो तीन हो जाएगा, अब प्लस माइनस या बी स्क्वायर तो माइनस तीन का वर्ग ए, ए की जगह पर एक, सी की जगह पर भी एक हो जाएगा। अब बटे जो है ये दो गुणे एक, तो जब इसको हल करेंगे तो तीन प्लस माइनस ये हो जाएगा नौ माइनस चार अब बटे दो, तो तीन प्लस माइनस नौ में चार निकल गया पांच, कर्णी में पांच अब बटे दो, यानी कि यक्ष बराबर आ गया। इसके दो मूल हो गए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो जो धनात्मक मूल होगा धनात्मक मूल तो यक्ष बराबर तीन प्लस कर्णी में पांच बटे दो होगा, और जो ऋणात्मक होगा ऋणात्मक मूल तीन माइनस कर्णी में पांच अब बटे दो होगा। तो इस तरह से इसके जो है ये दोनों मूल ज्ञात हो जाएंगे। अब जो है इसी में जो है इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका क्या है इसको फिर बता रहे हैं, दूसरा है एक बटे यक्ष माइनस एक बटे यक्ष माइनस टू
ए बराबर टी और इसमें शर्त दिया है यक्स नॉट जीरो टू, यानी यक्स का मान जीरो और दो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब इसको भी हल करेंगे तो पहले इसका भी एलसीएम लेंगे, तो यक्स यक्स माइनस टू एलसीएम हो गया, यक्स यक्स कट जाएगा, यक्स माइनस टू और माइनस इससे जब ये कट जाएगा तो यक्स तीन हो जाएगा, तो यक्स यक्स कट जाएगा ये, तो ये माइनस दो बटे यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स तीन हो जाएगा बटे तीसरा बुरा कर लेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स और ये माइनस दो या थ्री एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स प्लस दो बराबर जीरो। जब ये आ गया समीकरण तो इसकी तुलना जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कर लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर है यहां तीन एक्स स्क्वायर है, ए बराबर तीन हो गया, b बराबर माइनस छह, c बराबर दो। अब इसके बाद सूत्र पर रखेंगे, सूत्र आपको याद कर लेना होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहां माइनस बी, अब देखेंगे कि b का मान क्या है, माइनस छह है और माइनस पहले से तो छह हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस छह का वर्ग और ए की जगह पर तीन बूढ़े दो और बटे दो बूढ़े तीन। तो जब इसको हल करेंगे तो छह प्लस माइनस छह छह छत्तीस माइनस चौबीस और बटे छह, तो ये हो जाएगा छह प्लस माइनस छ में से चार निकल गया दो बारह हो जाएगा और बटे छह हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा छह प्लस माइनस बारह का वर्गमूल निकालेंगे तो दो कर्णी में तीन हो जाएगा। अब यहां से जो है दो नौ कॉमन कर लीजिए, तो दो कॉमन करते हैं तीन प्लस माइनस कर्णी में तीन बटे छह दो छह, ये तीन प्लस माइनस कर्णी में तीन बटे तीन हो जाएगा। और इस तरह से जो है यहां यक्स बराबर आ गया, तो इसके भी दो मूल होंगे, जैसे इसका पहला धनात्मक वाला मूल जो है धनात्मक मूल लिख सकते हैं आप यक्स बराबर तीन प्लस कर्णी में तीन और बटे तीन, ये धनात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक मूल यक्स बराबर तीन माइनस कर्णी में तीन बटे तीन। इस तरह से जो है जितना भी आपको एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं ये आप सूत्र द्वारा जो है इसी प्रकार से हल करेंगे, और बहुत से एग्जाम्पल जो है आपके किताब में दिए हुए हैं, आप इसको भी हल करके देख लेंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछ लेंगे, और प्रश्नावली में भी कोई दिक्कत होती है लगाने में तो वो भी हमसे जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।